विद्यालय के सामने धरना दिया। धरने पर बैठे छात्र विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन कंट्रोलर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी वजह से कंकड़बाग मेन रोड पर भारी जाम लग गया। जाम में कई एम्बुलेंस भी फंसी रही। यूनिवर्सिटी के छात्र धरना पर बैठे हुए हैं। कॉलेज ऑफ कॉमर्स के जो ये छात्र हैं, ये धरना पर बैठे हुए हैं। विभिन्न मांगे हैं, नाराजगी है कॉलेज प्रशासन से, लिहाजा ये जितने भी छात्र हैं ये धरना पर बैठे हुए हैं। लेकिन धरना की वजह से लंबा जाम भी लगा हुआ है। छात्रों को इस ओर भी ध्यान देना होगा। ये जो मुकदमा किया गया झूठ मूठ कर, उसको हटाया जाए और विकास विभाग को एकदम रिएक्ट किया जाए, क्योंकि ये एकदम सरासर झूठ मुकदमा है। अगर कोई भी गर्ल्स 10 रुपया एडमिशन करवाती है, वो पैसा कहाँ जाता है? उस मुद्दे को लेकर अगर विकास विभाग यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उनको जबरदस्ती अंदर लाइट बंद करके बोला जाता है। क्या नाराजगी? नाराजगी है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जो भी अवैध वसूली छात्रों एवं छात्राओं से, SC ST से, परीक्षा शुल्क के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, उसके लिए लोगों ने लेने का काम किया था। हम लोग माननीय कुलपति महोदय इतने देर से अभी अंदर बैठे हुए हैं, इतने छात्र छात्राएं सारे लोग पढ़ने वाले हैं, इतने गर्मी में बर्दाश्त किए हुए, आज उनके पर FIR हुआ, कल हम जैसे छात्र नेताओं पर होगा। हम खुद द्वारका कॉलेज के अध्यक्ष है, ये BD कॉलेज के अध्यक्ष है, ये RLSY कॉलेज के उपाध्यक्ष है, ये उपाध्यक्ष है, तमाम छात्र नेताओं को टारगेट करके आज से पहले भी 5 से 6 बार FIR किया गया। झूठा FIR करके छात्रों को डराया जाता है कि आंदोलन नहीं करें। 1 घंटे से फंसे हुए हैं जी। कहना यह है कि जाम तो किस लिए हुआ हमको पता नहीं है। रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी मांग है सरकार से, तो आप सरकार से मांग कीजिए। पब्लिक कहाँ जा रहा है, किस सिचुएशन में फंसा हुआ है, तो आपको राइट नहीं बनता है, आप मांग कीजिए। और हमारे ऑफिस का लेट हो रहा है, ये लोगों समझ में नहीं आ रहा है कैसे नहीं करना चाहिए। करना है तो कहीं जाके और करें, रोड पे नहीं करें। छात्र अपना आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो आंदोलन का स्वरूप है वो थोड़ा ऐसा होना चाहिए ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो, और पुलिस को भी पहल करनी चाहिए ताकि लोगों को इस तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। कैमरा पर्सन सिंधु मनीष के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना।